गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से तुम्हारा वेलकम करती हूँ। चैप्टर 6 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 6 में मैंने थोड़ा सा बेसिक पार्ट कल की वीडियो में बताया था। एंड बिसाइड्स द बेसिक पार्ट वी कंप्लीटेड वन पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन और प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर के 3 मेथड्स डिस्कस किए। ठीक है, एक बार रिमाइंड कराती हूँ तीनों मेथड्स को तुम्हें। एक ग्रेविटी सेपरेशन का प्रोसेस था, ग्रेविटी सेपरेशन के साथ साथ एक मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस था, एंड मैग्नेटिक सेपरेशन के साथ साथ लीचिंग तो हम आज ही कर रहे हैं। एक और प्रोसेस था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर में केमिकल सेपरेशन, जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 4 पर। अब ये केमिकल सेपरेशन का जो प्रोसेस है, इसका दूसरा नाम लीचिंग भी। देखो, पहले बहुत ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना केमिकल सेपरेशन का, उसके बाद क्योंकि केमिकल इक्वेशंस आएंगे इसमें, और आज मैंने केमिकल इक्वेशन इसलिए नहीं लिखी कि मैं साथ साथ इक्वेशन लिखूंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, हमें किसके साथ किसकी रिएक्शन करानी है, बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, दो जगह हम इसको यूटिलाइज करेंगे केमिकल सेपरेशन के प्रोसेस को अपने मेटलर्जिकल प्रोसेस में। एक तो हम यूज़ करते हैं बॉक्साइट ओर के लिए। बॉक्साइट ओर मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर्मूला इसका लिख देती हूँ बॉक्साइट ओर का, Al2O3 into 2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट ओर। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मेन ओर है। जिस फॉर्म में एल्यूमिनियम नेचर में प्रेजेंट होता है, बाकी और फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, बट दिस इज द मेन अबंडेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बात समझ में आई? तो हमें किसका करना है अभी केमिकल सेपरेशन में? ये तीनों जो मैंने प्रोसेस लिखे हुए हैं, दीज 3 प्रोसेसेस आर फॉर द बॉक्साइट ओर ओनली। उसके बाद मैं 2 और लिखूंगी, और वो 2 प्रोसेस मैं लिखूंगी गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। ठीक है, वो अभी बोर्ड पर नहीं है तुम्हारे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं बॉक्साइट ओर। देखो, बॉक्साइट ओर के लिए 3 प्रोसेस हैं, एक बायर्स प्रोसेस है, हॉल्स प्रोसेस है और सरफेक्स प्रोसेस है। तीनों ही साइंटिस्ट के लिए। जो बायर प्रोसेस है, बायर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ NaOH मिक्स करते हैं। ये मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ रिएक्शन किसके साथ करना है। दिस रिएक्शन विल बी विद NaOH एंड दिस रिएक्शन विल बी विद Na2CO2। समझ में आई बात? एंड दिस रिएक्शन विल बी विद कार्बन एंड नाइट्रोजन गैस, सॉलिड कार्बन या चारकोल भी बोलते हैं जिसको, उसके साथ नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, किस बेसिस पर हमने ये डिसीजन लिया कि इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ कराएंगे और इसकी रिएक्शन हम कार्बन और नाइट्रोजन के साथ कराएंगे, किस बेसिस पर डिसीजन लिया हमने? हमने डिसीजन लिया इस बेसिस पर कि अगर SiO2 सिलिकॉन, जो मैं तुम्हें बार बार बोलती आ रही हूँ कि हर एक ओर के साथ प्रेजेंट है SiO2, दिस इज सिलिका, अगर सिलिका की इम्प्योरिटी एक्सेस में, बाकी इम्प्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, सिलिका की इम्प्योरिटी एक्सेस में, हाईलाइटेड है सिलिका की इम्प्योरिटी ज्यादा अमाउंट मिट्टी का मिला हुआ है, तो हम इस प्रोसेस को यूटिलाइज करेंगे। और अगर आयरन की इम्प्योरिटी ज्यादा है, Fe2O2, अगर ज्यादा अमाउंट में मिला हुआ है, तब इस प्रोसेस को यूटिलाइज करेंगे। बात आई समझ में? और अगर सारी इम्प्योरिटी ज्यादा मिली हुई है, Fe2O3 भी है, सिलिका भी है, SiO2 और CO2 भी है, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटी, बेस्ट अदर इम्प्योरिटीज, अगर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो हम सरफेक्स प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये बात समझ में आई कि तीनों में से कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना है? बिकॉज एग्जामिनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो तुमसे क्या करेंगे, पहले ही कॉन्सेप्ट रखेंगे कि विच प्रोसेस वी मस्ट फॉलो फॉर द सेपरेशन ऑफ द बॉक्साइट और इफ सिलिका इज द मेन इम्प्योरिटी, इफ सिलिका इज प्रेजेंट एज द मेन इम्प्योरिटी, तो अपना सेकेंड वाला प्रोसेस रहता है। ठीक है, फिर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें एकदम ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे हॉल्स प्रोसेस लिखना है, बायर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है और सरफेक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब रिएक्शंस पर आते हैं बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हम रिएक्शन करनी है NaOH के साथ। देखो, Al2O3 into 2H2O हमारे पास ऑलरेडी है, हमने इसके अंदर मिला दिया NaOH। NaOH के OH से एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2NaAlO2। ठीक है, NaAlO2 बन जाएगा और NaAlO2
टू बनने के बाद हमारे पास थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ साथ में बचे रहे, ठीक है। थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, टू मॉलिक्यूल्स अपने यहाँ थे और टू में अगर हम इसको टू एन एच कर देंगे तो यहाँ पर अपने टोटल 3, 4, 7, 3, 2, 5 and 7 निकल गए, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? दिस कंपाउंड इज सोडियम मेटल एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये कंपाउंड बन गए। अब इस कंपाउंड की फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। देखो इसका काम अब खत्म हो चुका है क्योंकि और अब दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो NaAlO2 की अब हमें रिएक्शन करानी है NaAlO2, इट विल रिएक्ट विद H2O और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि वाटर ही बना है इसके साथ, उसी के साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ रिएक्ट करके अब ये क्या बना लेता है AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है इसका, व्हाइट सॉलिड, मैं यहाँ सॉलिड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में बनाया हुआ प्रेसिपिटेट नहीं है, ये लार्ज स्केल पर कराई गई रिएक्शन है क्रिस्टलाइजेशन जब हम एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये बन गया और साथ में अपना क्या निकल जाएगा, प्लस NaOH वापस आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद बेटा अपना पर्पज सिर्फ ये सॉल्व करना है क्योंकि अपने दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं प्रोसेस में, तो साइड वाले प्रोडक्ट से तुम्हारा दिमाग अपने आप हटता चला जाएगा। हमारा पर्पज क्या है, हमने एल्यूमिनियम का ओर लिया बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर को हमें एल्यूमिनियम तक लेकर जाना है, हमें क्या बनाना है इसको सेपरेट करना है रादर, एल्यूमिनियम तक बाद में लेके जाएंगे इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग के प्रोसेस से, बट पहले हमें Al2O3 बनाना है फ्री ऑफ द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को हटाना है वहाँ से, ठीक है। अच्छा अब लास्ट रिएक्शन जो इस प्रोसेस की होगी, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 इसको जब हीट करेंगे तो हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 में प्लस H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस Al2O3 हमें चाहिए था, दिस इज प्योर एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हमें चाहिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए, ठीक है। जब हम रिफाइनिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे जो लास्ट पार्ट है अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, उस लास्ट पार्ट, अब देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर से सीधे लास्ट में जंप करते हैं एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में क्योंकि Al2O3 प्योरीफाइड फॉर्म में मिल चुका है केमिकल सेपरेशन से, तो बीच वाले प्रोसेस छोड़ देते हैं, बीच वाले दो प्रोसेस और हैं उनको छोड़कर सीधे लास्ट वाले प्रोसेस पर जंप कर जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि सभी मेटल में जो टोटल 4-5 प्रोसेसेस हैं वो फॉलो नहीं होते, केवल कुछ ही मेटल ऐसी हैं जिनमें हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे प्रोसेस एग्जैक्टली फॉलो करने होते हैं। तो ये अपना पहला प्रोसेस हुआ बायस प्रोसेस, NaOH के साथ रिएक्शन कराई हमने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्योंकि वाटर के साथ था, वाटर के साथ उसने फर्दर रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो कि एक वाइट सॉलिड होता है, और जो NaOH बचा हुआ है ये बाकी इम्प्योरिटीज से रिएक्ट करता रहेगा जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, एंड देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल डिकम्पोज ऑन फर्दर हीटिंग टू फॉर्म एल्यूमिना एंड वाटर विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ये बात समझ में आ गई। तो अब एल्यूमिनियम के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करेगा, 2H2O नहीं लगा देगा इसके साथ, ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं बेटा अपने होल्स प्रोसेस की तरफ, देखो होल्स प्रोसेस में मैंने दो चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं, एक तो रिएक्शन किसके साथ है Na2CO3 के साथ, दूसरा क्यों रिएक्शन करा रहे हैं बिकॉज सिलिका इज द मेन मटेरियल, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अपने प्रोसेस पर, Al2O3 लेना, बॉक्साइड ओर लेना, Al2O3 2H2O विल रिएक्ट विद Na2CO3, रिएक्ट करने में क्या बनने वाला है अपना, यही प्रोडक्ट बनने वाला है 2NaAlO2 प्लस इस बार कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी प्लस CO2 प्लस 2H2O अपने पास है 4 ऑलरेडी आ चुके 2H2O, ये अपने प्रोडक्ट्स बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर इवॉल्व होंगे, ठीक है, जो फर्दर रिएक्शन में यूटिलाइज भी होगी। अब ये जो NaAlO2 है इसके लिए सेम रिएक्शन कंटिन्यू होगी, NaAlO2 विल रिएक्ट विद वाटर बिकॉज अगेन वी हैव वाटर, हमारे पास वाटर है अभी, तो वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सॉलिड बनाएगा और बनाने के बाद फिर Al2O3 बन जाएगा, ठीक है।
एक बार मैं रिएक्शन रिपीट कर देती हूँ लेकिन थर्ड प्रोसेस में रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि यही रिएक्शन वापस कंटिन्यू रहने वाली है। हमें केवल NaAlO2 तक पहुँचना है, ठीक है। तो NaAlO2 की फर्दर रिएक्शन O2 will react with H2O to give AlOH3 plus NaOH, ठीक है। अब ये NaOH रिएक्ट करेगा, पहले AlOH को क्यू करा लेते हैं, AlOH3 हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है बाय गिविंग एल्यूमिना एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये NaOH प्लस H2O प्लस CO2, अब ये बनाएंगे NaHCO3, और अगर NaH2O नहीं होता तो Na2CO3 बन जाता वापस से NaHCO3, जो फर्दर हीटिंग पर वापस Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब उसके बाद आओ सरफेक्स प्रोसेस। देखो, सरफेक्स प्रोसेस में हमने कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट नहीं है, Na2CO3 नहीं है, NaOH नहीं है। अपने पास क्या है, चारकोल और नाइट्रोजन गैस, इसको पास किया इसके अंदर, ठीक है। रिएक्शन अपनी क्या होगी, देखो Al2O3 तो है ही अपने पास क्योंकि इसी की रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसको सेपरेट करना है। Al2O3 इंटू 2H2O विल रिएक्ट विद कार्बन प्लस नाइट्रोजन एंड इट विल फॉर्म AlN टू AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। अपना रिएक्टेंट क्या बना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब बाकी की जो चीजें बची हुई है, नाइट्रोजन अपना यूटिलाइज हो चुका है, एल्यूमिनियम अपना यूटिलाइज हो चुका है, हमारे पास बचा है कार्बन और हमारे पास बचा है वाटर। वाटर तो एज सच निकल जाएगा, ठीक है, प्लस H2O और प्लस CO2 गैस, टोटल 3 और यहाँ पर कितने 3 × 5, ठीक है। अगर इसको करें तो 4 हो गया, तो इट मीन्स CO 4 2 and 3 5, CO2 2 CO, अगर इसको 2 करें तो अपने पास प्लस 2 CO 4 2 6 2 and 3 5, तो इसको कर लेते हैं 3 3 C, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज डाउन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना है, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और दोनों के साथ रिएक्ट करके अगली रिएक्शन आएगी अपनी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड विल रिएक्ट विद CO, बल्कि पहले CO की रिएक्शन है SiO2 के साथ, एल्यूमिनियम CO SiO2 प्लस CO, यहाँ से अपना निकल जाएगा सिलिकॉन 2 और 2 CO2 गैस, ठीक है, ये सेपरेट हुआ। अब इसके बाद आते हैं अपने एल्यूमिनियम AlN, AlN की फर्दर रिएक्शन से विद वाटर H2O, इट विल फॉर्म AlOH3 प्लस नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। और ये AlOH3 वाइट सॉलिड है, इसकी लास्ट वाली रिएक्शन वही होगी, AlOH3 ऑन हीटिंग विल फॉर्म Al2O3 प्लस H2O एल्यूमिनियम, वही एल्यूमिना जो हमें चाहिए था, ठीक है। और ये जो एल्यूमिना यहाँ बना है, इससे हम रिफाइनिंग करेंगे फिर इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग के माध्यम से, ठीक है।
ठीक है। तो ये अपने तीन प्रोसेस हुए जिसमें हमने एल्यूमिनियम से बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना बनाया। तो ये तीनों प्रोसेस एल्यूमिना फॉर्मेशन के प्रोसेस, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट मुझे दो एलिमेंट्स के बारे में और बताना है जिनको हम केमिकल सेपरेशन के मेथड से ही सेपरेट आउट करते हैं, एंड फॉर्चुनेटली उसमें हमें इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग भी नहीं करनी पड़ती। जैसे ही केमिकल सेपरेशन का मेथड फॉलो होगा, इमीडिएटली हमारे पास प्योरीफाइड मेटल आ जाता है, और वो दोनों मेटल हैं गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, गोल्ड और सिल्वर के लिए एक सोडियम साइनाइड का सोल्यूशन मिलाते हैं, NaCl, क्योंकि लीचिंग के प्रोसेस में कॉन्सेप्ट लीचिंग का यही है कि एक केमिकल कंपाउंड हम मिलाएंगे एज ए सॉल्वेंट और उस सॉल्वेंट के साथ अपना मेटल और रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम सोडियम साइनाइड मिलाएंगे, ये सोडियम साइनाइड दोनों के साथ रिएक्ट करता है, गोल्ड के साथ भी रिएक्ट करता है और सिल्वर के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अपना प्रेजेंट है AgCl के फॉर्म, सपोज ये AgCl के फॉर्म में प्रेजेंट है, हमने NaCl के साथ इसकी रिएक्शन किया है NaCl, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा AgCl होल टू, टू है NaAgCl होल टू प्लस NaCl। देखो रिएक्शन को ध्यान से देखो, NaCl अपना सॉल्वेंट है सोडियम साइनाइड, नाम लिख देती हूँ इसका नीचे सोडियम साइनाइड, और सिल्वर का हमने एक सॉल्ट लिया AgCl, दूसरा भी लिया जा सकता है Ag2S भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये बात तुम्हारे माइंड में यहाँ आ जानी चाहिए जो मैंने तुम्हें कल बताई थी कि जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये ऐसे मेटल हैं जिनको नोबल मेटल मानते हैं और जो फ्री स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर AgCl लिया, पहले AgCl बनाया, जो नेचुरल सिल्वर प्रेजेंट है उस नेचुरल सिल्वर को हमने डिजॉल्व करके पहले AgCl बनाया, क्योंकि सिल्वर क्लोरीन से इजिली रिएक्ट कर लेगा इन कंपेरिजन टू सिलिका, क्योंकि सिलिका की मेन इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, आयरन की मेन इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो AgCl आ जाएगा अपने पास, उस AgCl को फिर NaCl से रिएक्ट कराएंगे। अब जो अपने पास ये कंपाउंड बना है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक पूरा चैप्टर है अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है ये है सोडियम सिल्वर साइनाइड, ठीक है, या डाइसाइनो सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, इसका IUPAC नेम है जो हम बाद में चल के पढ़ेंगे, तो अभी इसके नाम पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, देखो अगला स्टेप हमारा क्या है, अब हमने NaAgCl हमारा बन चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे हमें सिल्वर मिल जाए। अपना पर्पज क्या है कि सिल्वर डायरेक्ट मिल जाए इसे, तो हम इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक मेटल। जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराने का फायदा क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर को रिप्लेस कर देंगे। अपना वही रिएक्टिविटी सीरीज वाला मेथड कौन सा यहाँ अप्लाई होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर सिल्वर रिप्लेस हो गई, सिल्वर अपनी आ गई, मैंने यहाँ पर लिख दिया Ag, सॉलिड फॉर्म में आ गया। बाकी अपने पास क्या आया, Na2ZnCl4, क्योंकि जो जिंक है उसकी वैलेंसी सिल्वर से डबल होती है, दुगनी होती है उसकी वैलेंसी, इसलिए Na2ZnCl4 आ जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। अपना पर्पज इससे, ठीक है, Na2 लिया तो यहाँ पे 2 कर देंगे और 2Ag आ जाएगा, दिस इज सिल्वर मेटल, ठीक है। एक बार वापस बेटा रिपीट करते हैं प्रोसेस को, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवल दो ही रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन भी नहीं है, ओनली टू रिएक्शंस यू हैव टू स्पेसिफाई फॉर द सेपरेशन ऑफ सिल्वर और फॉर द सेपरेशन ऑफ गोल्ड। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि सिल्वर का एक सॉल्ट दो लेते हैं जनरली, क्योंकि सिल्वर सल्फर से ईजिली रिएक्ट करती है। जैसे सिल्वर के अगर ऑर्नामेंट्स हमने पहने हुए हैं, थोड़े टाइम के बाद वो काले हो जाते हैं, शाइनिंग काले हो जाते हैं। रीजन, सिल्वर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, वाटर से रिएक्ट नहीं करती एनवायरनमेंट में, लेकिन थोड़ा बहुत जो सल्फर अपने आसपास प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उससे रिएक्ट कर जाती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, क्लोरीन से इजिली रिएक्ट करती है, तो क्लोरीन से सिल्वर क्लोराइड बना लेती है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर सल्फाइड की हमने रिएक्शन कराई NaCl के साथ, जो कि अपना सॉल्वेंट है लीचिंग प्रोसेस में। रिएक्शन कराने पर अपना एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया,
डाइसाइनो सोडियम आर्जेंटेट, ठीक है, और NaCl निकल गया। उसके बाद हमने ये जो डाइसाइनो सोडियम आर्जेंटेट था उसको एक रिएक्टिव मेटल डी ब्लॉक की मेटल जिंक से रिएक्ट करा दिया। जिंक विल इजीली रिएक्ट टू फॉर्म द सॉल्ट अगेन, अपना सॉल्ट बनाएगी, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगी और सिल्वर को बाहर निकाल देगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल हैं, पहली रिएक्शन में लीचिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और दूसरी रिएक्शन में अपना जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का जनरली कोई सॉल्ट बनता नहीं, रिएक्ट नहीं करता, इसलिए गोल्ड को मैं एज सच ले रही हूँ, Au प्लस NaCl, रिएक्ट NaCl से करेगा, ठीक है। अपने पास क्या आएगा, NaAuCl4, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी सिल्वर से ज़्यादा होती है, तो NaAuCl4 आ जाएगा अपने पास। आने के बाद अब ये जो कंपाउंड बना है AuCl4, ठीक है, इसके भी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। जिंक के साथ रिएक्शन करने से Na2ZnCn4 तो का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा एंड गोल्ड विल बी रिलीज्ड आउट। दिस इज गोल्ड, यही हमें चाहिए, हमें यही सेपरेट करना है। गोल्ड सेपरेट हुआ और सिल्वर सेपरेट हुआ और इनके सेपरेशन से आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों ही प्योरीफाइड फॉर्म में आते हैं क्योंकि वैसे ही रिएक्ट नहीं करते, हमने रिएक्ट कराया, जबरदस्ती रिएक्ट करा करा के अल्टीमेटली वो फाइनली अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं गोल्ड टू सिल्वर की। तो ये इन दोनों के लिए हम फॉलो करते हैं प्रोसेस केमिकल सेपरेशन का। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा अपना अलग स्टेप, क्योंकि ये अपना सेकेंड स्टेप अभी चल रहा है। फर्स्ट स्टेप था ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, सेकेंड स्टेप था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर के स्टेप्स चल रहे थे अभी तक। अब अपना थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ओर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका ऑक्साइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए ये स्टेप नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन जो मेटल ओर अपने ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है उनको ऑक्साइड बनाने के लिए हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ता है जो मैं इस साइड में, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड के दो प्रोसेस थे, ये अपना थर्ड प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कल भी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दिया था, एक प्रोसेस है रोस्टिंग, दूसरा प्रोसेस कैल्सिनेशन, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये बताया था कि रोस्टिंग में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है कंपलसरी है, और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिएक्शन इसके साथ नहीं होती है। देखो अब कौन कौन से और रोस्टिंग के प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, कौन कौन से और कैल्सिनेशन के प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं। जनरली जो सल्फाइड ओर्स उनके लिए मेटल फॉलो किया जाता है, सल्फाइड ओर्स, ठीक है, ये कार्बोनेट ओर्स जनरली इस मेटल को फॉलो करते हैं, कार्बोनेट और सल्फेट ओर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक एक दो एग्जाम्पल दोनों के, जैसे रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड प्रेजेंट प्लस हमने रिएक्शन किसके साथ कराई है, O2 के साथ रिएक्शन, रिएक्शन अपनी होने के बाद बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2
इसको टू कर लो, जिंक ऑक्साइड टू एंड SO2, टू SO2, थ्री O, ठीक है। ये अपना जिंक ऑक्साइड, क्योंकि हमें इस स्टेप में ऑक्साइड ही बनाना है। उसके बाद आते हैं कॉपर सल्फाइड CuS प्लस O2 टू गिव Cu2O प्लस SO2, Cu2 ऐसे रखते हैं। इतना हुआ अपने कॉपर के दो पूरे हुए, SO2 में एक और ऑक्सीजन भी हुआ, टू टू फाइव, तो ये अपना हो गया फाइव बाई टू, ठीक है। डबल कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये इसका सल्फाइड हुआ PbS, लेड का सल्फाइड प्लस O2 टू गिव PbO प्लस SO2। और भी कोई अगर सल्फाइड हो तो वो सल्फाइड हो, जैसे कॉपर पाइराइड में सल्फाइड हो होता है, तो कॉपर पाइराइड भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है कैल्सिनेशन प्रोसेस में। कैल्सिनेशन में अपने कार्बोनेट ओर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2, इसको सीधे हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट किया CaO प्लस CO2। जिंक कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं कैलेमाइन, कैलेमाइन नाम से कैलेमाइन, हीट किया, हीट करने पर कन्वर्ट हो जाएगा ZnO प्लस CO2, ठीक है। और एक अपना होता है कैल्शियम कार्बोनेट आ चुका है, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं आएगा, PbCO3, हीट किया PbO प्लस CO2, ठीक है। जिन जिन मेटल्स के कार्बोनेट ओर्स पॉसिबल हैं, उन सभी मेटल्स के ओर्स को हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है, जो फर्दर एज ए रिडक्टेंट यूटिलाइज होती है। अभी जो इससे अगले वाला पार्ट आएगा वो रिडक्शन ऑफ द ओर का पार्ट आएगा, उसमें एज ए रिडक्टेंट ये यूटिलाइज होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं कैल्सिनेशन के प्रोसेस में, मुझे तुम्हें बतानी जरूरी है कि जो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है, मैंने तुम्हें बोला कि ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन अपने ओर के लिए यूटिलाइज नहीं हो रही। अगर ओर के लिए यूटिलाइज नहीं हो रही तो ऑक्सीजन का हो क्या रहा है, तो उसके लिए जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे सल्फर एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, फॉस्फोरस एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सिलिका एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है, O2, 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 ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा SO2, ये रिएक्ट करके बनाएगा P2O5, ये रिएक्ट करके बनाएगा SiO2, इनके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जो कि एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं अपने मेटल ओर के साथ। तो ये अपना सेकेंड प्रोसेस हुआ जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड हमने फॉलो किया। अभी थर्ड प्रोसेस हम फॉलो करेंगे